हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। अरे मेरा संडे का ब्लॉग है जो मैं लेट हो रहा है मुझे डालने में, और ये संडे मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं कह सकते, 10:30 से ज़्यादा हो गया था। तो कैसे कि संडे के दिन ना कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं हर किसी को, होते सोचे कि अदर डे जो है कर लेंगे, पर नहीं हो पाता है, संडे के दिन ही निकलते। तो वही मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, सारे घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ दिखाते रहोगी ना, तो कितना भी एडिटिंग कर लूँ मैं, कितना भी कट कर लूँ, 1 घंटे का ब्लॉग बनेगा, इसलिए मैं पूरा नहीं दिखाती हूँ। और ठंडिया देखिए इतनी पड़ रही कि हमको दिन भर जो है यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, कढ़ाई में लोहे की कढ़ाई है, उसमें हम जो है कोयला जला के है, मतलब हाथ वगैरह तापते रहते हैं ठंडी की वजह से। यहाँ पे जो सोफा वगैरह मैं क्लीन कर ले रही हूँ, और यहाँ पे तरी थी ना गलीचा, वो बहुत गंदा हो गया था, गंदा मतलब ये कोयला वगैरह जलाते ना उसकी राख वगैरह पूरी उड़ गई थी, तो मैं उसे भी धोने वाली हूँ। और हंसी का जो है अभी तक नहाई नहीं है, संडे है तो उसका भी सब लेट ही लेट होते रहता है, उसका चाय नाश्ता भी लेट ही हुआ है। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर कोई नया है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड, और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना ब्लॉग देखते नहीं हो पूरा, प्लीज़ पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा, मुझे जो है वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे हंसी का बोन मीठा पी रही है, उसने आज खुद से मांगा था। और काम के वक्त ना बच्चा पास पास में, मम्मी ये मम्मी वो, बच्चा घर में रहना उस दिन, संडे बोले तो ऐसे ही होता है, मेरा संडे तो कभी बाहर कभी घर में होता है, पर ये जो संडे है घर में ही गया है। चलिए मैं करती हूँ बाकी के काम। यहाँ जो है हंसी का अपना कार्टून देख रही है, उसको तो बस कार्टून ही चाहिए रहता, अरे गलीचा बहुत गंदा हो गया, तो वही मैं जो है धोने के लिए मशीन में लगा दे रही हूँ। बहुत भारी है बट मशीन में ना आसानी से धुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँ तब तक मैं यहाँ गलीचा लगा दे रही हूँ धोने के लिए। बहुत गंदा हो गया था, गंदा मतलब ऐसा गंदा नहीं, वो जो राख निकलती है ना कोयले की, हम कोयला जलाते हैं तो उसी की राख की वजह से उड़ती है ना, तो उस वजह से बहुत गंदा सा हो गया था। जब तक कि मशीन में मेरा ये गलीचा धुलेगा, मैं बाकी के अपने जो है काम कर लूँगी। यहाँ जो है मेरा खाना भी बन गया था, मेरा लंच, तो मैंने चावल और दाल फ्राई बनाया था। मेरे हस्बैंड जो है चिकन नहीं खाते, और मैंने चिकन की सब्ज़ी बनाई है, और रात की कुछ रोटी रखी है, तो मैं रोटी जो है बाद में ही बनाऊँगी खाते वक्त गर्म। और यहाँ पे मैं अभी यहाँ गैस वगैरह क्लीन कर लूँगी नहाने से पहले, सब जो है ना संडे के दिन उल्टा पुल्टा काम होता है। वैसे तो गैस जो है रात में ही क्लीन होती है, लेकिन खाना चाय नाश्ता सब बनने के बाद जो है और भी गंदी हो गई है। तो मैंने चिकन की जो है रेसिपी शेयर नहीं की है, शाम को जो है मैं मटन बनाने वाली हूँ, मटन मसाला, तो उसकी रेसिपी जो है आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो ब्लॉग को प्लीज़। अरे गलीचा जब धुलने डल गया तो यहाँ पे कैसे रूम बहुत ठंडा होता है, जो फर्श है बहुत ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे जो मैंने दूसरा गलीचा डाल दिया, गलीचा नहीं एक टाइप की ना वो ऐसे रजाई टाइप का कुछ है, वो बहुत पतला सा, तो उसी को मैंने नीचे से जो है ब्लैक है वो, ऊपर से वेलवेट है, तो वो भी आसानी से धुल जाता है। यहाँ पे मैंने हंसिका को जो है नहला दिया था, और हंसिका के जो मैं हेयर कट करने वाली हूँ आज, उसके हेयर जो है उसकी उम्र के हिसाब से लंबे और पतले बहुत है, उस वजह से तो बाल जो है गीले और ठंड ज़्यादा है, तो मैं इसको जो है ड्रायर से सुखा दूँगी, उसके बाल
ड्रायर जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, हमने भी नहीं करना चाहिए, बहुत कम यूज़ करें जब ज़रूरत रहे तब। फिर भी ठंडी की वजह से जो है ड्रायर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ठंड इतनी है कि नहाने तक ही स्वेटर जो है निकलता है, बाद में जो है फिर से तुरंत स्वेटर मैं भी पहन लेती हूँ। हंसी काका हो जाने के बाद मैं भी नहाने जाने वाली हूँ। यहाँ जो है मैं हंसिका के थोड़े से हेयर कट कर दूँगी, पतले पतले नीचे जो है एकदम पूछ बन गई थी। मैं अपने भी हेयर ऐसे ही घर में थोड़े से जो है काट लेती हूँ। और मेरी मम्मी भी हमेशा जो है घर में थोड़े थोड़े जो हमेशा बचपन में, तो मुझे याद है कि अच्छा बड़े होने तक उन्होंने जो है ऐसे ही किया था, इसलिए मुझे याद है। तो वो भी घर में ही काट देती थी। अब पता नहीं मेरी सोच ऐसी है क्या, घर में ही काटती हूँ तो बढ़ते हैं ऐसा सोच के। तो मैं नहा के आ गई थी और यहाँ पे मेरी जो है पूजा भी हो गई थी। और उसके बाद जो है हंसिका को दो चोटी का शौक पड़ा था बाल सूखने के बाद, तो उसको दो ही चोटी डाल के चाहिए, तो मैं उसको दो चोटी डाल के दे रही हूँ। और देखिए वो कैमरे के सामने मस्ती कर रही है, उसे पता भी नहीं है चलो ये बंद है, उसके लगता कि ऑन करके रखा है। और यहाँ जो मैं अभी गर्म गर्म रोटी बना लूँगी और हंसिका को खाना दे देती हूँ और मैं खुद भी खाना खा लूँगी। और उसके पहले जो है मेरा गलीचा जो है धुल चुका है, मशीन बंद हो चुकी है, तो मैं उसको भी जो है सुखा के आ जाऊँगी। बहुत बिजी मॉर्निंग है आज की, पूरा दिन ही बिजी गया है। संडे का दिन आज मेरा बहुत बिजी गया था। यहाँ पे हंसिका अपना कार्टून के साथ खाना एंजॉय कर रही है। और हंसिका को ना ऐसे मसालेदार ऐसी ग्रेवी वाली सब्जियाँ बहुत पसंद है, वो तेज खाती है, उसका फीका पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं जो है गलीचा जो है सुखाने आ गई थी ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए बिल्कुल धूप नहीं आती, धूप निकली हुई है लेकिन हमारे साइड में ना धूप नहीं आती है। ये देखिए जिस साइड में मैं खड़ी हूँ वहाँ पूरी छावी रहती है, सिर्फ 11:30 से 12:30 बजे तक जो दोपहर में थोड़ी बहुत धूप आ जाती है, वरना ये जो सामने बिल्डिंग है ना वो बिल्डिंग के वजह से जो है धूप नहीं लग पाती इधर। और वैसे दो बिल्डिंग है आजू बाजू बड़ी बड़ी, तो उस वजह से ना इस साइड में देखिए बिल्डिंग बन रहने की वजह से इधर साइड में जो धूप नहीं आती है बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे जो है खाना खाने के बाद फिर ठंडी लगेंगी, तो मैं कोयला जो है जलाने के लिए रख दिया है। और मैं भी खाना खा लूँगी हंसिका के साथ। मैं जो है इसी तरह गैस में मुझे कोयला गर्म करना होता है। और देखिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, करीब 3 बज रहे हैं, पर पता नहीं खाना खाने के बाद ही ठंडी लगती है शायद, ये हमारे साइड में तो दिन भर लगती है। तो यहाँ पे जो है हम लोग हाथ तप लेंगे, खाना खाते रहते तब तक मेरा कोयला भी जलते रहता है। और उसके बाद यहाँ हो गया शाम का वक्त, करीब शाम के 6:15 बज रहे, यहाँ पे फिर से कोयला तप रहा है और चाय चढ़ी है। और हस्बैंड को जो है ब्रेड ऑमलेट खाना था, तो मैं उनके लिए ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ, अंडा सैंडविच भी बोल सकते हैं। इसके पहले जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं चॉपर में जो है एक प्याज, एक टमाटर और 3-4 हरी मिर्च चॉप कर ली थी, और उसी में जो है 2 एग भी मैंने फोड़ के डाल दिए, स्वाद के हिसाब से नमक भी डाल दिया। एक ही बर्तन में सारा काम हो गया, झंझट वाला नहीं। मैं इसी तरह से खाना बनाती हूँ शॉर्टकट में, बिड़ा के रखना फैलाना मुझे जो है बहुत दिक्कत लगती है। रेसिपी शेयर करनी होती है ना तो सब एक 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 अलग अलग काटो दिखाओ, तो वो ना पता नहीं मुझे झंझट वाला काम लगता है, इसलिए जो है मैं ब्लॉग के साथ ही रेसिपी जो है कोई भी शेयर कर देती हूँ। अलग से शेयर करना बोले तो बहुत दिक्कत वाला काम जाता है। तो यार जो है मेरा ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड सैंडविच, अंडा सैंडविच जो भी बोल लो वो बन गया है।
तो आइए आप भी इंजॉय कीजिए ये सॉस के साथ, चाय के साथ। मेरा के साथ अच्छा लगता है, आप कैसे भी खाइए, ऐसा भी अच्छा लगता है। और मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, दोनों को ये बहुत पसंद है और मुझे भी। तो ये है हमारा शाम का नाश्ता। और मैं सीधा अब जो है रात में मतलब करीब 8:30 बज रहे थे, तो मैं यहाँ बना रही हूँ मटन मसाला। जैसे कि मैंने पहले बताया, तो मैंने यहाँ 250 ग्राम मटन लिया था और यहाँ एक बड़ा प्याज है। मैं मटन को पहले बॉईल कर लूँगी, ये गोट मटन है। और एक प्याज डाला मैंने उसमें, 1.5 गिलास पानी। और मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच तेल। और इसे जो है 4 सीटी आने तक पकने दूँगी। ये जल्दी पकता नहीं ना मटन, तो इसको सीटी लगा के, मतलब ड्राई रेक भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे मटन मसाला बनाना है, उस वजह से मैं ऐसे बना रही हूँ। तो मैंने मसाले के लिए 2 बड़े प्याज लिए थे, 2 तेज़पत्ता ली थी, और दगड़ी फूल, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, शाही जीरा, ये सब चीज़ें जो है मैं इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा तेल डाल के इसे बहुत अच्छे से भूनूँगी। मसाला बहुत अच्छी तरह भुन जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। सारी चीज़ें मैं बारीक करके डाल रही हूँ ताकि अच्छे से भून सके। और इसे तेल डाल के अच्छा लाल होने तक एकदम उसे भून लूँगी। यह मसाला भून के जो है अच्छे से रेडी हो गया था। और मैं उसे ठंडा होने के बाद मिक्सी के पॉट में जो है पीस लूँगी। और यहाँ पे मैं सब्जी के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कुकर भी ठंडा हो चुका है। तो मैंने 3 चम्मच जो है तेल लिया है और 1 बड़ा प्याज बारीक काट के। आप ले न ले प्याज, कोई ज़रूरी नहीं है, मसाले में प्याज है। और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली, 1/2 टीस्पून जितना, और 2 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर लीव्स, और थोड़ा सा जीरा भी है उसमें, उसका पेस्ट है जो मैं बना के रखती हूँ। उसे मैंने अच्छी तरह भून लिया सब तेल में डाल के। इसे बहुत टाइम लगा था आप लोगों को दिखाने के लिए, जो है मैं कट कर करके दिखाती हूँ। और जब ये अच्छे से पक जाएगा मसाला, तब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। इसमें मैंने मसालों में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गर्म मसाला डाला है। सब अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। मैंने जो है थोड़ा सा तेज खाते तो तेज के हिसाब से डाला है। और जो मैंने मसाला रेडी किया था प्याज और गर्म मसालों का, वो भी डाल दिया है। और जो गर्म मसाला है उसमें जो है नारियल या फिर आप मगज बीज वगैरह डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो है मगज बीज का पाउडर रखा हुआ था, मैंने मगज बीज भून के जो है उसका पाउडर बना के रखा था, तो वही मैंने 1 चम्मच यहाँ डाला है। आप जब प्याज का मसाला बनाते तब डाल सकते हैं, पर मैंने बना के रखा हुआ है। ग्रेवी वाली सब्जी के लिए अच्छा होता है। और जब अच्छे से भून गया था तो मैंने उसमें नमक डाल दिया। और जो मेरा पका हुआ मटन जो है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको बहुत टाइम लगता है पकाने में, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं स्किप कर करके दिखा रही हूँ। अदरक लहसुन और पूरा मसाला कम से कम 10 से 12 मिनट अच्छे से भूनने दीजिए, तब जाके आप इसमें मटन डालिए। और मटन डालने के बाद भी ये 10 मिनट से 12 मिनट अच्छा भुना है। तो मटन मसाला है, ग्रेवी वाला नहीं है, मसाले वाला है। तो ऐसे ही गाढ़ा रहेगा, ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो है मेरा मटन मसाला तैयार है। और बाजू में जो है कोयला, वही। और ये है मेरा आज का खाना, मटन मसाला, रोटी, चावल। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।